इस साल के आखिर में पूरे देश को पता चल जाएगा कि राजस्थान के गद्दी पर कौन काबिज होगा। इसके साथ ही राजस्थान के चुनाव के नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा दोनों तय करेंगे। यही वजह है कि आगामी राजस्थान के चुनाव पर न सिर्फ कांग्रेस की निगाहें टिकी हुई है, बल्कि बीजेपी भी पूरा जोर लगाने में लगी हुई है। एक तरफ जहां सीएम गहलोत और कांग्रेस पार्टी अपने प्रचार में लगी है, तो दूसरी तरफ पायलट और गहलोत के रिश्ते की चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में माहौल को गर्म बनाए रखती है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा में गहलोत और पायलट साथ नाचते हुए भी दिखाई दिए, तो राहुल के साथ कदम ताल भी एक साथ था। पर सबसे बड़ा सवाल यही कि कदम तो मिले, पर क्या दिल मिले। इसी बीच सचिन पायलट ने एक वीडियो शेयर की है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जहां वो पतंग की डोर थामे हुए नजर आ रहे हैं, अब किसकी कन्नी कटेगी और ये पतंग कितनी देर हवा में रहेगी और राजनीति की हवा किस ओर रुख करेगी, ये फिलहाल कोई नहीं बता सकता। खैर, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने आज राजीव गांधी विशेष योग्य जन संस्थान एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी निशक्त जन प्रकोष्ठ की ओर से रामनिवास बाग में आयोजित पतंगोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर पायलट पतंगबाजी करते हुए भी दिखाई दिए। ये तस्वीर बता रही है कि पायलट जनता के बीच में है, उनसे जुड़े हुए हैं। राजस्थान में सियासी खींचतान के बीच पायलट का पतंगोत्सव में कार्यक्रम में शामिल होकर एक बार फिर इशारों में अटकलों को हवा दे दी है। बता दें कि राजस्थान की राजनीति में गहलोत और पायलट की खींचतान किसी से नहीं छिपी। हालांकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद गहलोत हो या पायलट कैंप, दोनों की ओर से बयानबाजी का दौर फिलहाल थमा हुआ है। खुद सचिन पायलट भी चुप्पे साधे हुए हैं। वहीं राहुल गांधी दोनों ही नेताओं को पार्टी की धरोहर बता चुके हैं। जितने अहम गहलोत हैं, उतने ही अहम पायलट। यात्रा के बाद सचिन पायलट पूरी तरह से खामोश हैं। ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति में पायलट समर्थकों को खासी तरजीह भी दी गई है। बता दें कि चुनाव में एक साल से भी कम समय का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ता दोनों के लिए लक्ष्य फिलहाल चुनाव ही नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।